हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, आज हम लोग हमारी इस वीडियो में कुछ ऐसे प्लांट्स देखेंगे जो कि बहुत ही अच्छे इंडोर एयर प्यूरीफायर प्लांट्स हैं। सो लेट्स बिगिन। हमारी लिस्ट में नंबर वन पे है रबर प्लांट। रबर प्लांट बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। बस इसमें करना इतना है कि इसकी मिट्टी कभी भी पूरी तरह से सूखनी नहीं चाहिए, यानी इसकी मिट्टी को हमेशा हमें मॉइस्ट रखना है। इसकी प्रोपागेशन की हम बात करें तो ये लीफ कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है, और अगर आप इसकी लीफ को भी पानी में रख दें तो इसकी लीफ में भी बहुत जल्दी रूटिंग हो जाती है। हमारी लिस्ट में नंबर टू पर है जीजी प्लांट। जीजी प्लांट एक बहुत ही अच्छा एयर प्यूरीफायर प्लांट है। All you have to do is, do not give too much water in ZZ plants. अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी ZZ में दे दिया तो इसके बल्ब गल जाते हैं, क्योंकि ये एक बल्ब से ग्रो होने वाला प्लांट है। इसके नए नए पप्स निकलते रहते हैं, बट ये एक बहुत ही स्लो ग्रोइंग प्लांट है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ZZ प्लांट बहुत ही ज़्यादा हेल्थी रहे, तो एक तो आपको पानी का ध्यान रखना होगा, और दूसरी बात, आपको इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो इसके पत्ते झड़ने लगेंगे। हमारी लिस्ट में नंबर थ्री पर है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट एक बहुत ही अच्छा इंडोर एयर प्यूरीफायर प्लांट है। अगर हम इसकी प्रोपागेशन की बात करें तो ये कटिंग से बहुत आसानी से लग जाते हैं। ये मैंने पिछले महीने कटिंग लगाई थी लीव्स की, और देखिए अंदर से नए नए शूट्स निकल चुके हैं। और ये अपनी मिट्टी से नए नए पप्स भी निकालता है। इसकी केयर की हम बात करें तो इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। 15 डेज के अंदर आप इसे पानी दें। ये इतना स्ट्रॉन्ग प्लांट है कि इसे अगर आप एक महीना भी पानी नहीं देते हैं तो भी ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। नंबर फोर्थ पर है मनी प्लांट और पोथोस। ये एक क्लाइंबर प्लांट है, और इसे सपोर्ट के लिए मॉस्टिक की ज़रूरत होती है। इसमें कई तरह के वेरिएशंस होते हैं। ये बहुत अच्छा एयर प्यूरीफायर प्लांट है, और ये बहुत इजीली कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। नंबर फाइव पे है सिंगोनियम और एरोहेड प्लांट। इसकी केयर की हम बात करें तो इसकी मिट्टी को बिल्कुल वेल ड्रेन बनाना है। इसे बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, बस इसकी मिट्टी थोड़ी सी मॉइस्ट रहनी चाहिए, और ये बहुत इजीली कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ कटिंग भी लगाई हुई है। ये भी एक बहुत अच्छा इंडोर एयर प्यूरीफायर प्लांट है। सिर्फ इतने ही एयर प्यूरीफायर इंडोर प्लांट्स नहीं होते हैं। नासा ने एक इंडोर प्लांट की लिस्ट तैयार की है जो कि आपके घर के लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपके घर में मौजूद पॉल्यूशन को हटाने में मदद करता है। प्लांट्स लाइक एग्लोनिमा, डिफेनबेकिया, क्रोटॉन, अरेलिया और दूसरे कई तरह के प्लांट्स आपके घर में मौजूद पॉल्यूशन को हटाने में बहुत मदद करते हैं। ये एक इंडोर फ्लावरिंग प्लांट है, इसको कलांचू कहते हैं। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे गार्डन के और वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और एक बात, हमें इन सारे के सारे प्लांट्स को बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, और अच्छी ब्राइट लाइट में रखना है। ओके गाइस, बाय।